दरवर्षी अशी घरा पुरती आज काही एक वेळा पुरा येत नाही, चार चार पाच पाच वेळा पुरा येतो. किती लोक आहेत? 30-35 घर आहेत. घरामध्ये पाणी शिरतंय आणि पूर्ण पाऊस काल आम्हाला ओल्यावर तयार लागते. जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है. इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है. जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं. वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है. 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है. तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबाउ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई यूनिवर्सिटी का स्वागत है. फिलहाल हम आए भिवंडी के तहसीलदार में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस में, तहसीलदार कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे एक अनोखा आंदोलन है. वो आंदोलन इस तरह से है कि भिवंडी के पड़घा ग्रामीण भदाणे गांव में जो है, वहाँ पे कुछ आदिवासी है और उनकी जो जगह है, उनका जो घर है, वो हर साल जो है पानी में डूब जाता है और इस कदर डूब जाता है कि उनके खाने के, उनके रहने के, सभी के जो है उनके वांदे हो जाते हैं. और इसलिए उन्होंने यहाँ पे आज एक धरना प्रदर्शन किया. उनका कहना है, उनकी मांग है कि उन्हें एक दूसरी जगह दी जाए कहीं पर, जहाँ पे वो चैन से जो है अपना रहन बसर कर सके, गुजर बसर कर सके. तो तकरीबन उस भदाणे गांव में 30 से ज़्यादा परिवार जो है वो वहाँ पे पीड़ित है. 30 घर है वहाँ पे, उन्होंने बताया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रांत कार्यालय, सॉरी तहसीलदार कार्यालय के ठीक सामने ही उन्होंने जो है यहाँ पे धरना दिया है और उन्होंने अपने पूरे घर का जो सामान है वो सारी चीज़ें लेके आए हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा है, लकड़ी, बर्तन, बच्चों को भी लेके वो सुबह से यहाँ पे बैठे और उनकी यही मांग है कि उन्हें जो है कहीं पे अच्छी जगह मिल जाए रहने के लिए. हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितनी तकलीफों में, कितनी परेशानी में जो है ये लोग रह रहे हैं. फिलहाल इनके जो नेतृत्व करने वाले जो इनके लीडर्स हैं श्रमजीवी संगठना के, वो लोग गए तहसीलदार साहब से बात करने के लिए. क्या बात होती है, क्या आश्वासन मिलता है, वो हम आपको बताएंगे. लेकिन आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं कि ये लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाना भी बनाया हुआ है. देखो वहाँ पे थोड़ी सी तस्वीर है कि ये खाना भी इन्होंने जो है तहसीलदार कार्यालय के सामने बनाया है. तो इस तरह का जो आंदोलन यहाँ पे किया इन्होंने, इनका कहना है कि पिछले 20 सालों से जो है ये लोग तकलीफ में है. थोड़ा सा अंकल थोड़ा बताइए, कब से आप लोग तकलीफ में है? 20-25 वर्ष झाले. हाँ, ये साहेब लोग येतात, फक्त पंचनामा करून देतात, तुम्हाला जागा देतो, पण जागा द्यायचा पत्ता नाही आम्हाला, देतच नाही. अजूनपर्यंत काही दिला नाही, जागाच दिली नाही अजिबात. फक्त पुरा आला का येतात, पंचनामा करून जातात का पुढल्या वर्षी तुम्हाला जागा देणार आम्ही, पण जागा देतच नाही अजिबात. बस मग आता तुम्ही, तुमची मांग काय, मागणी काय? आम्हाला जागा पाहिजे फक्त. किती लोक आहेत तुमचे? किती लोक आहेत? मी आहेत 30-35 घर आहेत. 30-35 घर आहेत? 22-23 घर आहेत. किती वर्षापासून तुमचा, तुम्हाला त्रास आहे? 20-25 वर्ष झाले. 20-25 वर्ष दरवर्षी पुरा येतो, पुरा येतो घरा पुरत्यात आमची. दरवर्षी अशी घरा पुरत्यात का एक वेळा पुरा येत नाही, चार चार पाच पाच वेळा पुरा येतो. ते मग रात्रीचे कुठले पण टायमाला येतो, रात्री 2-3 ला. कोणती नदी आहे? ती भास्ता नदी, कुंभेरी नदी, असे 2-3 नद्या आमच्या घराजवळच आहेत. आमची घरा शेतवलीमध्ये आहेत. तुम्ही काय तिथे शेती वगैरे करतात का? शेती वगैरे काय नाही, आम्ही मजुरी करतो साहेब. आम्ही मजुरी करतो कशाला? आमची शेती नाही, काय नाही, काय नाही. आम्ही फक्त शेत मजुरी करून खातो बस. आम्हाला फक्त जागेचं पाहिजे, आम्हाला फक्त जागा पाहिजे घरा वाटायला, दुसरा काहीच नाही. त्रास काय तुम्हाला? आम्हाला या सर पाण्याचा त्रास. दरवर्षी आमच्या घरामध्ये पाणी शिरतंय आणि पूर्ण पाऊस काल आम्हाला ओल्यावर तयार लागते. पूर्ण पाऊस? हा चार महिने. आणि दीपावलीच्या नंतर घरा सुटत घरात कोणच नाही, फक्त रामशोक येतात, दुसरा कोणच नाही. आणि तहसीलदार आलं तरी पण फक्त सांगतील का पुढल्या वर्षी तुम्हाला जागा भेटायला आणि देत नाही. आज आपके ऑफिस के सामने आपके कार्यालय में कुछ आदिवासी लोगों ने धरना दिया है, तो उसके कौन को बताएंगे क्या कारण?
ये आदिवासी लोग, ये टोटल 17 फैमिली है, ये भादाने जो विलेज है वहाँ के रहवासी है। जब भी ज्यादा बारिश होती है तो इनके घरों के आसपास पानी जम जाता है, तो उसके कारण उनको बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए उनका ऐसा डिमांड है, मांगनी है उनकी, कि उनको अल्टरनेट जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ से ऑलरेडी प्रस्ताव गया हुआ है अल्टरनेट जगह पे इनको पुनर्वसन करने। सर, वो जो हमसे बात करें, नहीं, जनरली जब ज्यादा बारिश होती है तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हमारे पंचनामे होती है। ये जो पुनर्वसन का जो विषय है वो थोड़ा अलग, मतलब नई जगह अलॉट करना वो थोड़ा शासन स्तर का बात है। तो 20 साल से तो पता नहीं, लेकिन अभी जो आए थे उनका जो डेलीगेशन आते गए उन्होंने बताया कि 4-5 साल से ये तकलीफ है। कंक्लूजन अभी हमारी बात चल रही है कि क्या इसमें अल्टरनेट जगह इमीडिएट सॉल्यूशन क्या निकल सकते, ये हमारी बात चल रही है। यहाँ पे मीटिंग खत्म हुई तहसीलदार साहब से, और जब ये लोग बाहर आए तो उन्हें ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इसका निवारण करेंगे, लेकिन इन्होंने भी ठानी है कि अब जब तक के उनका जो घर है उसको सही से पूरा पक्का बांधकाम नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो 14 परिवार आए थे जिसमें से 7 परिवार 7 घर वाले जो है ये लोग वापस जा रहे हैं, और 7 लोग यहीं रुकेंगे, उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इसकी आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहे, हम आपको इसके आगे की भी अपडेट देते रहेंगे। मैं फिरोज मेहमान, दावोस से, थैंक यू। What do you